आज शाम को ऑफिस के बाद मोहम्माट जा रहे हैं हम। कॉन्कॉर्ड से ट्रेन बदल के मोहम्माट आए। ये है मोहम्माट का स्टार्टिंग पॉइंट। इंक्लाइन रेलवे भी है। बस इधर ऊपर जाने का दो ही तरीका है, या तो वॉक करके या इंक्लाइंड रेलवे लेके। मोहम्माट के ऊपर चढ़ते वक्त तो बहुत म्यूजिशियन दिखेंगे। हम तो थर्सडे इवनिंग को आए हैं। मैंने सुना हूँ वीकेंड में और ज़्यादा म्यूजिशियंस रहते हैं। तो मोहम्माट के ऊपर से पेरिस का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये एक चर्च है जिसका नाम है सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। ये एक्चुअली एक हिली एरिया है और इस हिल के ऊपर से पेरिस का बहुत बढ़िया व्यू आता है, मगर सुबह जाते तो और अच्छे से फ़ोटो खिंचवा पाते, क्योंकि अभी शाम को बहुत लोग आते हैं। इंडिया जैसे इधर भी मॉन्यूमेंट के बाहर बहुत छोटे छोटे शॉप हैं जो सोवेनियर बेचते हैं। और इधर सोवेनियर के नाम पे आईफिल टावर का छोटा प्रोटोटाइप भी मिलता है। इतना दूर जब आए ही है, हम सोचे कि चर्च के अंदर एक बार देख के तो जाते हैं। पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम जब चर्च गया था कलकत्ता से थोड़ा दूर, उधर तो हमको जूता उतारने के बाद जाना पड़ा था, मगर इस चर्च में तो ऐसे ही अंदर घुस गए। इधर हमको ज़्यादा कुछ आई डोंट नो प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं पड़ता है। लिखा तो था कि प्रॉपर क्लोथिंग इज़ रिक्वायर्ड, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चर्च के अंदर ऐसे तो काफ़ी शांत है, मगर इतना ज़्यादा लोग चर्च के अंदर आते हैं, आई डाउट वो भी सही से मेंटेन हो पाता है क्या। ये एक बढ़िया चीज़ मिला हमको, ये बहुत सारा कैंडल्स, मगर ये सारे कैंडल्स जलाने के लिए पर कैंडल 2 यूरो के आसपास चाहिए, जो हम स्पेंड करना नहीं चाहते थे।
वैसे मेरे को यूरोपियन आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा तो पता है नहीं, मगर चर्च के अंदर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है यही बता सकता हूँ। हमारा दोस्त को जाना था आज किसी का बर्थडे पार्टी में, तो हमको जल्दी निकलना है। हम सोचे बाहर ही कोई जगह खा लेंगे, क्योंकि मोमार्ट के ये चर्च के बाहर बहुत सारा रेस्टोरेंट है। और ये है चर्च के बाहर से पेरिस का व्यू। सिमोन मार से हम बाहर जा रहे हैं। हमने फाइनली ये इंडियन रेस्टोरेंट से खाने का सोचा। खाना तो बहुत बढ़िया था, मगर बहुत एक्सपेंसिव था और क्वांटिटी भी बहुत कम थी। फिर खाने के बाद हमने मेट्रो स्टेशन जाने का सोचा। अभी कोई देख के नहीं बता सकता है बाहर की, अभी रात की 10 बजे है, लोकल टाइम 10 बजे है। ऐसा लग रहा है कि शाम को 6 बजे है। इधर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि टाइम क्या है। आज के लिए फाइनली हम पहुंच गए ला डिफेंस। ये है ला डिफेंस का ग्रैंड आर्क। शाम के टाइम भी बहुत बढ़िया लगता है पेरिस। आज के लिए इतना ही, फिर देखता हूँ कल कहाँ जा पाता हूँ। कल तो फ्राइडे है, कोई ना कोई तो जाना ही है। ये है रात का पेरिस, रात 10:30 का पेरिस। गुड नाइट एवरीवन फॉर टुडे। And he was also saying that I was asking him that for going cab.